So this is the third sum for the exercise, that is, here it is given a real life example. जैसे आर्चरी बोर्ड तुमने देखा ही होगा जैसे दिखता. इट्स सिमिलर टू दैट. सो व्हाट इट सेड इज फिगर डिपिक्ट्स एन आर्चरी टारगेट. व्हाट इट सेड्स इज फिगर डिपिक्ट्स एन आर्चरी टारगेट. ओके, किधर गया? With its five scoring region from the center outwards as gold, red, blue, black, white. The diameter of the region representing the gold score is 21 cm and each other board is 10.5 cm wide from the area of each and find the scoring region. So you need to find the scoring region. So what it is said that क्या बोला यहाँ पे उन्होंने कि जो तुम्हारा ये रीजन है, यू कैन सी दिस बोर्ड, ये गोल्ड पार्ट है, इन योर टेक्स्ट बुक इट इज वेरी क्लियर, ये गोल्ड है, ये रेड पार्ट है, ये ब्लू पार्ट है, ब्लैक पार्ट है, ये वाइट पार्ट है, ऐसा कुछ तो है, करेक्ट? सो इट इज सेड लाइक दैट. सो व्हाट इट इज सेड, तुम्हें ये जो गोल्ड का इसका डायमीटर क्या है, इसका डायमीटर इज 21 सेंटीमीटर. सो इट इज समथिंग लाइक दिस. ओके, जहाँ पे क्या बोला हुआ है, दिस गोल्ड पार्ट इज 21 सेंटीमीटर. ओके, दिस गोल्ड पार्ट इज 21 सेंटीमीटर एंड जो रेड वाला पार्ट है, दिस रेड, ब्लू, ब्लैक एंड वाइट, ये 10.5 सेंटीमीटर दूर दूर है, मतलब ये इसके पॉइंट के बीच का डिफरेंस एंड इधर तक का डिफरेंस, इट इज नथिंग बट 10.5 सेंटीमीटर. इट इज नथिंग बट 10.5 सेंटीमीटर. फिर इधर से लेके यहाँ तक का इट इज अगेन 10.5 सेंटीमीटर. फिर अगेन यहाँ ब्लैक से लेके यहाँ तक का 10.5 सेंटीमीटर. तो तुम्हें क्या करना है, हर एक बोर्ड का एरिया फाइंड आउट करना है. जैसे कि यू हैव टू फाइंड दी, ये जो गोल्ड है इसका एरिया फाइंड आउट करना है. ये तो इजीली कर लोगे, पाई आर स्क्वायर से कर दोगे. बट ये जो रेड रीजन है यू नीड टू फाइंड दिस फॉर दिस, ये जो ब्लू रीजन है यू नीड टू फाइंड फॉर दिस, देन ब्लैक रीजन एंड देन वाइट रीजन, मतलब कितना एरिया कवर करे, यू ऑल यू नीड टू फाइंड इज दैट थिंग. सो हम कैसे करेंगे, वी आर गोइंग टू सी that over here. Okay, so the first part over here is the gold scoring region. So gold scoring region, so pehle hame kya diya hua tha, what is the given condition over here, the first given was the gold score region डायमीटर इज नथिंग बट 21 सेंटीमीटर. तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस इज हाउ मच, रेडियस गोइंग टू बी 10.5 सेंटीमीटर, बरोबर. 21 का हाफ कितना होता है, 10.5. सो हमें फाइंड क्या करना है, एरिया ऑफ ईच बैंड, एरिया ऑफ ईच band we need to find. Okay, so let's start with the solution. ये sum थोड़ा बड़ा है but काफी easy है समझने के लिए, खाली इसमें difficult क्या है, calculation part. बाकी अगर तुम देखने जाओ तो पूरा sum क्या है, काफी easy है. Okay, so let's start. First is the gold scoring region. The first region is nothing but your gold scoring region. हमें इसका area find करना है. सो वॉट इट इज गिवन, डायमीटर 20 सेंटीमीटर. सो हम इसके रेडियस को क्या ले लेते हैं, लेट्स टेक दिस रेडियस एज आर विच इज 10.5 सेंटीमीटर जो हमने गिवन में लिखा हुआ ही है. नाउ यू नीड टू फाइंड द एरिया, इसको वन ले लेते हैं एंड यू नीड टू फाइंड द एरिया. सो A1 इज गोइंग टू बी एरिया ऑफ द गोल्ड स्कोरिंग रीजन, एरिया ऑफ द गोल्ड स्कोरिंग रीजन. ओके, सो व्हाट इज गोइंग टू बी द एरिया, एरिया का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर, करेक्ट, पाई आर स्क्वायर. नाउ व्हाट इट इज गिवन ओवर हियर, 10.5 तो है. सो अगर हम इसको क्या करते हैं, सिंस हमारे पास क्या पाई की वैल्यू है और आर क्या है 21 है, सो हम इसको क्या करेंगे, इंस्टेड ऑफ कीपिंग दिस आर 10.5, व्हाट वी कैन डू इज वी कैन कीप इट एज
21 बाय 2, बट यू कैन टेक दिस 10.5 लेके भी सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो पाई की वैल्यू इज 22 बाय 7, करेक्ट, इंटू आर स्क्वायर. सो इट इज 21. सो 21 बाई 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 21 बाई 2 इंटू 21 बाई 2, इट इज नथिंग बट आर स्क्वायर. अभी क्या करेंगे इसका हम, ना द 7 गोज 1 टाइम, द 7 गोज 3 टाइम्स, करेक्ट, द 7 गोज 1 टाइम एंड द 7 गोज 3 टाइम्स, 2 1 टाइम्स, 2 11 टाइम्स, 2 1 टाइम्स, 2 11 टाइम्स, करेक्ट. सो क्या बचता है हमारे पास, इज 11 इंटू 3 इंटू 21 अपॉन 2, 11 इंटू 3 इंटू 21 अपॉन 2. अब हम क्या करेंगे, वट वी आर गोइंग टू डू इज विल सॉल्व दिस, विल सिंप्लीफाई दिस. सो इफ वी आर गोइंग टू सिंप्लीफाई दिस, वट इट इज गोइंग टू बी 11 3 था 33, 33 इंटू 21 इज नथिंग बट इट इज गोइंग टू बी 11 3 था 33, करेक्ट, 33 वन था 3, कैरी 3, 33 टू था 6, सो इट इज गोइंग टू बी नथिंग बट 693 डिवाइड बाय 2. सो इसका आंसर क्या होगा, इट इज गोइंग टू बी 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो यहां से हमें क्या पता चला कि A1 का जो वैल्यू है, इट इज नथिंग बट इट इज 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो गोल्ड रीजन का एरिया क्या है, एरिया फॉर द गोल्ड रीजन इज नथिंग बट 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज हमें मिला है. सो इसको हम क्या लिख लेते हैं, लेट्स राइट इट एज 2, इसको हम 2 दे देते हैं. अभी क्या करना है हमें, रेड स्कोरिंग रीजन फाइंड आउट करनी है. सो द नेक्स्ट रीजन दैट वी आर गोइंग टू फाइंड इज दिस रेड स्कोरिंग रीजन. सो दिस इज रेड स्कोरिंग रीजन. नाउ रेड स्कोरिंग रीजन का क्या बोला है कि हर एक का जो विड्थ है, दिस विड्थ इज नथिंग बट 10.5 सेंटीमीटर दूर है, इट इज नथिंग बट दी 10.5 सेंटीमीटर दूर. सो हम इसको क्या करेंगे, लेट व्हाट वी कैन अज्यूम इज लेट रीजन रेड, रीजन रेड्स रेडियस बी आर वन, इट बी आर वन. सो आर वन क्या होगा, आर वन इज गोइंग टू बी इक्वल टू आर वन आर प्लस विड्थ ऑफ रेड बैंड, विड्थ ऑफ रेड बैंड इज हाउ मच 10.5 सेंटीमीटर. जो ये इधर से यहां तक का पूरा रेडियस होगा क्या होगा, गोल्ड के रेडियस प्लस आर का रेडियस, बरोबर. सो इट इज गोइंग टू बी आर वन प्लस 10.5 सेंटीमीटर. सो व्हाट इज गोइंग टू बी माय आर वन, जो रेड का जो रेडियस है पूरा फ्रॉम द सेंटर ऑफ गोल्ड टू द सर्कमफेरेंस ऑफ द आर कितना होगा, आर प्लस, तो आर कितना था मेरा 10.5. सो ये दिस आर, ये भी दिस आर इज नथिंग बट 10.5 ओनली था. सो आर प्लस 10.5 को मैं क्या सब्सटीट्यूट कर सकता हूँ, आई कैन सब्सटीट्यूट एज आर ओनली. सो आर प्लस आर, सो आर वन इज नथिंग बट माई 2R, R1 इज नथिंग बट माई 2R, बरोबर, R1 इज नथिंग बट माई 2R. अभी ये कहां से आया, ये यहां पे मैंने लिखा था, रिमेंबर 1 में क्या लिखा हुआ था, R इक्वल्स टू 10.5 सेंटीमीटर, तो 10.5 सेंटीमीटर को क्या सब्स्टिट्यूट किया, R. सो दिस इज नथिंग बट फ्रॉम 1, समझ रहे हो. सो R1 की वैल्यू कितनी है मेरी 2R, R1 की वैल्यू मेरी 2R है. R1 की वैल्यू हमें क्या मिली थी, 2R मिली थी. अभी हमें क्या करना है, इसके जो एरिया है, लेट एरिया, लेट दी एरिया ऑफ रेड रीजन, रेड रीजन का जो एरिया है उसको हम क्या ले लेंगे, A2. अब A2 का एरिया हमें फाइंड आउट करना है. सो व्हाट इज गोइंग टू बी A2, क्या होगा, व्हाट इज गोइंग टू बी A2, सो इट इज नथिंग बट
इट इज नथिंग बट ये जो रेड रीजन है, दिस रेड रीजन माइनस दिस, जो रेड बड़ा सर्कल है उसमें से अगर मैं ये छोटा सा सर्कल निकाल दूं, तो मुझे क्या मिल जाएगा, जो रेड बैंड वाला जगह है, जो रेड बैंड की जो है एक सर्कल है वो पूरी मिल जाएगी, बरोबर। अगर मैं क्या कर रहा हूँ, ये पूरा लेट अस अज्यूम है पूरा एक सर्कल है, उस सर्कल में से मैंने क्या किया, एक येल्लो वाला सर्कल निकाल दिया, येल्लो वाला सर्कल मैंने क्या कर दिया, निकाल दिया, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे वही पार्ट मिलने वाला है, करेक्ट। सो दैट आई एम गोइंग टू डू। सो उसके लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, इक्वल्स टू पाई आर वन स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, बरोबर, पाई आर वन स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, सो दैट इज गोइंग टू बी माई ए टू। नाउ व्हाट इज माई आर वन, आर वन क्या लिखा था मैंने, पीछे मैंने आर वन लिखा था टू आर, सो दिस इज नथिंग बट आर वन स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर विल कम अबव, सॉरी, सो आर वन इज नथिंग बट टू आर, सो इट इज गोइंग टू बी टू आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, ओके, सो इट इज नथिंग बट फोर पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, व्हाट इज फोर पाई माइनस थ्री पाई आर स्क्वायर, सो इट इज नथिंग बट, सॉरी, फोर पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर इज नथिंग बट थ्री पाई आर स्क्वायर, इट इज नथिंग बट थ्री पाई आर स्क्वायर। और मुझे पहले पता था कि जो पाई आर स्क्वायर की वैल्यू थी नेक्स्ट लास्ट सम में, पाई आर स्क्वायर की जो वैल्यू थी, व्हाट इज पाई आर स्क्वायर, इट वाज नथिंग बट 346, ओके, पाई आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी, 346.5, सो दैट वैल्यू आई एम गोइंग टू सब्स्टिट्यूट ओवर हियर, दैट वैल्यू आई एम गोइंग टू सब्स्टिट्यूट, क्योंकि ले पाई आर स्क्वायर क्या था, ये छोटे वाले एरिया का जो ए वन एरिया था उसका एरिया था, सो दैट इज गोइंग टू बी पाई आर स्क्वायर, सो इट इज नथिंग बट 346.5। यू रिमेंबर ए वन इक्वल्स टू कितना था, पाई आर स्क्वायर विच इज नथिंग बट 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, करेक्ट। सो यू जस्ट नीड टू मल्टीप्लाई इट, सो इट इज नथिंग बट 3 5 15, ओके, कैरी 1, 3 6 18, 9 आएगा यहां पे, यू कैन सॉल्व दिस एंड व्हाट यू कैन गेट इज 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज द एरिया ऑफ रेड रीजन, सो एरिया, दिस इज नथिंग बट एरिया ऑफ रेड रीजन, ए टू इज नथिंग बट द एरिया ऑफ रेड रीजन, ये किसका एरिया है, रेड रीजन का। सिमिलरली व्हाट वी कैन डू इज, नाउ सिमिलरली फॉर व्हाट वी आर गोइंग टू सॉल्व फॉर ब्लू रीजन, फॉर ब्लू रीजन लेट रेडियस ऑफ लेट द रेडियस, ओके, लेट द रेडियस टिल द ब्लू रीजन, लेट द रेडियस ऑफ ब्लू पूरा सर्कल जो है अंदर सा, सो रेडियस ऑफ ब्लू सर्कल बी हाउ मच, आर टू, इसको हम क्या ले लेंगे, आर टू, ओके, सो आर टू कितना हो जाएगा, इट इज नथिंग बट रेडियस ऑफ रेड प्लस 10.5 सेंटीमीटर, करेक्ट, जो भी रेडियस ऑफ रेड है उसका 10.5 सेंटीमीटर करेंगे, करेक्ट। यहां पे, यहां से यहां तक क्या था, यहां से यहां तक आर वन था, अभी आर टू यहां से यहां तक है, सो इट इज नथिंग बट ये आर वन था, सो आर वन प्लस दिस ब्लू रीजन इज 10.5 सेंटीमीटर, सो इट इज नथिंग बट आर वन प्लस 10.5 सेंटीमीटर, और 10.5 क्या था, आर था, सो इट इज नथिंग बट आर वन प्लस आर, और आर वन क्या था, टू आर था प्लस आर, सो आई कैन राइट दिस एज 3R, करेक्ट, दिस इज नथिंग बट, दिस इज नथिंग बट यहां पे हमने जो लिखा हुआ था पार्ट, ओके, सो इट इज नथिंग बट सम 1, सो आर टू इज नथिंग बट 3R, मैं आर टू इज नथिंग बट 3R, करेक्ट। सो A3 इज गोइंग टू बी द एरिया ऑफ, A3 is going to be the area of blue region. That is nothing but
वो क्या होगा, ब्लू रीजन का अगर एरिया फाइंड आउट करना है मुझे, सो मुझे क्या करना पड़ेगा, दिस ब्लू सर्कल, दिस ब्लू होल सर्कल फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल माइनस दी रेड सर्कल फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, बरोबर। ब्लू और रेड को मुझे क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, करेक्ट। सो इट इज नथिंग बट पाई आर टू स्क्वायर माइनस पाई आर वन स्क्वायर, करेक्ट। अब आर टू स्क्वायर क्या था, थ्री आर, सो इट इज नथिंग बट थ्री आर स्क्वायर, और आर वन कितना था, टू आर था, तो इट इज गोइंग टू बी टू आर स्क्वायर। सो पाई नाइन पाई आर स्क्वायर, करेक्ट, माइनस फोर पाई आर स्क्वायर, नाइन पाई आर स्क्वायर माइनस फोर पाई आर स्क्वायर, व्हाट इज नाइन माइनस फोर, इट इज फाइव पाई आर स्क्वायर, एंड पाई आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी, 346.5, सॉरी, सो 5 इंटू 346.5 इज हाउ मच, इट इज गोइंग टू बी नथिंग बट 5 5s आर 25 कैरी 2, 5 6s आर 30 कैरी प्लस 2 इज, तो यहां पे 2 आएगा, करेक्ट। 5 4s आर 20 प्लस 3 23, तो यहां पे 3 आएगा, 5 6s आर 15, 15 प्लस 2 17, तो 17 32.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इज नथिंग बट द एरिया ऑफ ब्लू रीजन, दिस इज नथिंग बट योर एरिया ऑफ ब्लू रीजन, ओके। यहां तक हमें क्या मिलेगा, एरिया ऑफ ब्लू रीजन। आवर नेक्स्ट टास्क इज टू फाइंड द एरिया ऑफ, नाउ एरिया ऑफ कौन सा रीजन, रेड हो गया ब्लू हो गया, नाउ एरिया ऑफ ब्लैक रीजन, एरिया ऑफ ब्लैक रीजन। अब एरिया ऑफ ब्लैक रीजन के लिए हम वही करेंगे जो हमने यहां पे क्या हुआ था, लेट द एरिया ऑफ, जो यहां पे हमने किया था, लेट द एरिया ऑफ रेड रीजन बी ए टू, लेट द रेडियस ऑफ, सो हम वही करने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें रेडियस की जरूरत है, व्हाट वी रिक्वायर्ड फर्स्ट इज द रेडियस, सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज लेट द रेडियस ऑफ ब्लैक सर्कल बी, क्या लोगे, आर टू था तो इट इज गोइंग टू बी आर थ्री, सो आर थ्री क्या होगा, इट इज नथिंग बट वॉट, जो तुम्हारा ब्लू रीजन था प्लस 10.5, तो इट इज नथिंग बट आर टू प्लस 10.5 सेंटीमीटर, करेक्ट, आर टू प्लस 10.5 सेंटीमीटर। सो आर टू वॉज हाउ मच, आर टू वॉज 3R, R2 यहां पे कितना था, 3R था, प्लस 10.5 इज नथिंग बट माई R, सो यहां से क्या पता चलता है, R3 इज नथिंग बट माई 4R, R3 इज नथिंग बट माई 4R, करेक्ट, R3 इज 4R। नाउ A4 को क्या ले लेंगे हम, एरिया ऑफ ब्लैक रीजन, एरिया ऑफ ब्लैक रीजन बी A4। अब हमें क्या पता है, हमें ब्लैक रीजन निकालना है, सो हमें ब्लैक रीजन का सिर्फ एरिया निकालना है, बट हमारे रेडियस है, तो सेम थिंग क्या करेंगे हम, व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज दिस एरिया ऑफ फुल ब्लैक सर्कल कंसिडरिंग द सेंटर माइनस एरिया ऑफ फुल ब्लू सर्कल कंसिडरिंग द सेंटर, करेक्ट। सो एरिया ऑफ ब्लैक रीजन, एरिया ऑफ ब्लैक रीजन इज नथिंग बट माई पाई आर थ्री स्क्वायर माइनस पाई आर टू स्क्वायर, करेक्ट, पाई आर थ्री स्क्वायर माइनस पाई आर टू स्क्वायर। नाउ फ्रॉम अबव व्हाट यू कैन सी इज आर थ्री का वैल्यू कितना है, 4R है, एंड आर टू का वैल्यू कितना था, 3R था, आर टू का वैल्यू कितना था, 3R। You can see over here what is R2, it is nothing but it is 3R. So this is nothing but pi 16R square minus pi 9R square. So you can just simply write it at 16 pi R square minus 9 pi R square. It is nothing but 7 pi R square. Now as you know, you are very much cleared,
पाई आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी, 346.57। अगेन सिंपली कैलकुलेशन, 7 5 35, कैरी 3, 7 6 18, तो 1 आ जाएगा। ओके, सो इट इज नथिंग बट 7 5 35, कैरी 3, 7 6 42, अगेन प्लस 3 इज गोइंग टू बी 5, 7 4 28, 28 प्लस 6 इज गोइंग टू बी, सो सॉल्विंग दिस 4, 2 आएगा यहाँ पे, देन 7 3 21, प्लस 3 इज नथिंग बट 24, सो इट इज गोइंग टू बी 24.5 cm². सो दिस इज द एरिया ऑफ A4, एरिया ऑफ ब्लैक रीजन। फाइनली व्हाट वी आर गोइंग टू फाइंड इज द एरिया ऑफ व्हाइट रीजन। सो आई होप अभी तक तुम समझ ही गए रहे हो कि कैसे हमें सॉल्व करना है। इजी, सेम मेथड, एक ही मेथड को हमको फॉलो करते हुए जाना है। नाउ लेट द रेडियस ऑफ व्हाइट सर्कल बी R4, करेक्ट, R4 ले लिया मैंने उसे। अभी R4 क्या होगा, R4 इज नथिंग बट R3 प्लस 10.5 cm, R3 प्लस 10.5 cm। नाउ R3 क्या था, R3 हमें पता है 4R है, एंड 10.5 क्या था, R है, सो इट इज नथिंग बट 5R। फ्रॉम हियर वी कंक्लूड R4 इज 5R। नाउ A5 इज नथिंग बट एरिया ऑफ व्हाइट रीजन। सो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, द सेम थिंग, पाई आर, क्या पाई आर फोर स्क्वायर माइनस पाई आर थ्री स्क्वायर, पाई आर फोर स्क्वायर माइनस पाई आर थ्री स्क्वायर, करेक्ट। सो पाई आर फोर कितना है, आर फोर की वैल्यू इज नथिंग बट 5, सो इट इज नथिंग बट 5R² माइनस R3 वॉज 4R². सो फ्रॉम हियर आई कैन राइट इट एज 25R² माइनस 16R², सो इट इज नथिंग बट 9R². सो A5 की वैल्यू कितनी, 9R². नाउ पाई भूल गए हम डालना, सो एज यू नो 9 पाई आर स्क्वायर, सो पाई आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, अगेन 346.5, ओके, सो 9 5 इज अगेन 45, कैरी 4, 9 6 30, 9 6 कितना 54, 54 प्लस 4 इज अगेन 8, 9 4 36, 36 प्लस 5 41, 9 3 27, 27 प्लस 4 इज 31, सो 3118.5 cm². सो दिस इज द एरिया ऑफ व्हाइट रीजन। सो फाइनली क्लियर, खाली सम का लेंथ बढ़ा था, बाकी लॉजिक एवरीथिंग वॉज वेरी मच ईजियर। सो आई होप यू कैन सॉल्व दिस सम वेरी क्लियरली, काफी ईजी सम था, बस सम का थोड़ा लेंथ ज्यादा था। क्लियर, इफ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज डू आस्क मी, ओके।